इंटेलिजेंस की गिरफ्त में दिख रहा ये आरोपी पंजाब का कुख्यात गैंगस्टर है, जिस पर हत्या और हत्या के प्रयास सहित कई धाराओं के तहत 18 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, जिसे काउंटर इंटेलिजेंस और होशियारपुर पुलिस ने एक सांझे ऑपरेशन के तहत होशियारपुर के भारत नगर एरिए से गिरफ्तार किया है। दरअसल चन्ना होशियारपुर से अपने घर जा रहा था, जिसे पुलिस ने रास्ते में ही दबोच लिया। काउंटर इंटेलिजेंस विंग के AIG हरकमलप्रीत सिंह कक द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन सभी बातों के खुलासे किए गए। AIG ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि गैंगस्टर चन्ना होशियारपुर पिछले 10 वर्षों से आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहा था। उस पर कई संगीन धाराओं के तहत मामले कई जगहों पर दर्ज हैं। चन्ना होशियारपुर पहले पंजाब के मशहूर गैंगस्टर लखा के करीबी रहा है और फिरोजपुर जेल में लखा की मौत होने के बाद गैंग का मुखिया बन गया था। 2016 में बेल पर जेल से आने के बाद वो भाग गया और पंजाब के अलग अलग जगहों और पंजाब से बाहर कई जगहों पर छुप कर रहने लगा। कार में अपने घर परिवार से मिलने आ रहा था, जिसे हमने गिरफ्तार कर लिया। AIG ने कहा कि चन्ना की गाड़ी में से उन्हें 2 अवैध पिस्तौल, 33 जिंदा कारतूस और 755 ग्राम नशीला पदार्थ मिला है। फिलहाल आरोपी चन्ना पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जलंधर और डिस्ट्रिक्ट हुशियारपुर की पुलिस ने आज एक कंबाइंड ऑपरेशन किया है मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन हुशियारपुर के एरिया दे विच, जिथे कि एक बड़ा फेमस गैंगस्टर सी हुशियारपुर जिले का, इनू जसप्रीत सिंह चन्ना इहदा नाम है। फेमसली चन्ना हुशियारपुरी के नाम नाल जाणिया जांदा है। तो बड़ा 10-11 साल का लंबा यदा क्रिमिनल जोड़ा कैरियर हैगा, तो हूँ लास्ट इन्हें मर्डर भी दो किते है। 2016 का ये पुलिस तो जेल तो बाहर आया, तो फिर इन्हें बेल जंप कर ली, क्राइम लगातार कर रहा है, तो फड़िया नहीं गया। तो अज जदों इतलाह मिली काउंटर इंटैलीजेंस नूं भी इस सवेरे अपने घर आ रहा है, तो फिर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ना शेयर की गई इनफॉरमेशन। उस तो बाद कंबाइंड जिहड़ियां टीमां सी काउंटर इंटैलीजेंस दियां ते डिस्ट्रिक्ट पुलिस दियां SHO मॉडल टाउन हैगे आ, इन्हां ने उत्थे बड़ा अच्छा ऑपरेशन प्लान कीता ते इन्हें गड्डी भजाउण दी कोशिश कीती, पर कोई सिल्वर केड़ी गड्डी A-Star गड्डी सीगी, उहदे विच्चों इहनूं इन्हां ने फड़ लिया। जदों उहदी सर्च कीती गई गड्डी दी, ते इहदे पोजेशन चों आ जिहड़े वैपनस हैगे आ, पिस्टल रिकवर होया, काफ़ी एमुनेशन सीगा, इह मेरे ख्याल 35 जिहड़े लाइव कार्ट्रिजिज इहदे मिले हैगे आ। फिर ये को दूसरा वैपन सी, उहदे भी लाइव कार्ट्रिजिज मिले है। फिर ये को ड्रग मिले हैगा, तो उहदे विच फिर इनू हुशियारपुर पुलिस स्टेशन दे विच मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन चे दे अगेंस्ट आर्म्स एक्ट दा और NDPS एक्ट दा जिहड़ा केस रजिस्टर किया गया। इहदी बैकग्राउंड मैं दसना चाहुंदा हां, हुशियारपुर दे विच इक बिन्नी गुजर नां दा बड़ा तकड़ा गैंगस्टर हैगा, इह उहदा राइवल गैंग मैंबर सी। जिहड़ा बिन्नी गुजर हैगा उहदा इक लखे नां दे गैंगस्टर दे नाल पहिलां राइवली रही। जिहड़ा लखा हैगा वो इहदा नैक्सट बंदा सी, इहदा वो गुरु सीगा चन्ने हुशियारपुरी दा। उहदी फिरोजपुर जेल च पिछे जे डैथ हो गई, उहदी डैथ तो बाद इहने लखे वाला गैंग टेक ओवर कर लिया, ते अज दी हुण इह बिन्नी गुजर दे नाल पूरा जिहड़ा अपना वो राइवलरी उहदी रख रिहा सी। इह लास्ट थोड़े महीने पहलां ही इहने उहदे घरे बड़ी ताबड़ तोड़ फायरिंग की, जदों उहदी मदर उहदी बिन्नी गुजर दी ते उहदी ब्रदर उहदा जिहड़ा घरे सीगे, पर फॉर्चुनेटली उह बच गए। ते हुण इहनां ने एक दूजे नूं प्लैन कर रहे सी वी उह इहनूं मारना चाहुंदा सी, इह उहनूं मारना चाहुंदा सी, वी इह तों पहलां कि कोई वड्डी गैंगबार हुंदी पुलिस ने टाइमली एक्ट करके इहनूं फड़ के ते बुक कीता गया। ते इहदे नाल मैं इह वी दसणा चाहुंदा वी पंजाब गवर्नमेंट दी जिहड़ी गैंगस्टर दे अगेंस्ट कमिटमेंट है, उहदे तहत ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊ। ਇਹ UP ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿਲਿਮਨਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨੇ UP ਤੋਂ ਇਹ ਵੈਪਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕੋਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਪਨ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਹਲੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਫਰਦਰ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਡਰੱਗਸ ਆਪ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਦੀਨਾਨਗਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹਨੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਲਏ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਜ ਪੈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ,
ਤੇ ਉਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਫੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।